बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन जो है ये तीन प्रकार से हवा होता है। पहला तो हवा के माध्यम से, यानी हवा बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। दूसरा जल के माध्यम से, यानी बीज जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाए। तीसरा जीवों के माध्यम से, यानी जीव जो यानी पक्षी कीट पतंग जो है बीज को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर चले जाएं, या अपने परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाएं और वहाँ पर उसको छोड़ दें। तो हवा, जल और जीवों यानी पक्षियों के द्वारा, लिविंग बींग्स के द्वारा जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है। जैसे कि हम देखें सोयाबीन, सोयाबीन की फलियाँ जो हैं ये पककर सूख जाती हैं। ये सोयाबीन की फलियाँ हैं, ये पक जाती हैं और पकने के बाद सूख जाती हैं। और फिर इनके बीज जो होते हैं ये बीज छिटक कर बिखर जाते हैं, सूख गई हैं और इनके बीज जब ये सूख जाते हैं तो ये सूख कर छिटक बिखर जाते हैं, जिससे कि नए सोयाबीन के पौधों का जन्म होता है।